नमस्कार दोस्तों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना पहला प्रश्न है, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो ध्यान रखना, राजस्थान में तो कहाँ स्थित है, जयपुर में। राजस्थान में कहाँ स्थित है, जयपुर में। और गोविंद देव जी का जो मंदिर बनवाया गया था वृंदावन में, वो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अकबर ने मान सिंह को फर्जंद की उपाधि प्रदान की, इसका अर्थ होता है भाई, मित्र, पुत्र और सेनापति। तो अकबर के द्वारा फर्जंद की उपाधि दी गई थी और फर्जंद का शाब्दिक अर्थ होता है गोद लिया हुआ बेटा। कैसा बेटा? गोद लिया हुआ बेटा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि पुत्र। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मानसिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपको सबको मालूम है कि मानसिंह का जो उत्तराधिकारी बना था वो मानसिंह का ही बेटा जगत सिंह था। जगत सिंह का असामयिक देहांत हो गया था, इस कारण से ये उत्तराधिकारी नहीं बन पाया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाव सिंह। भाव सिंह मानसिंह फर्स्ट का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आमेर के किस शासक को औरंगजेब ने विष दिलाकर मरवा दिया था? जयसिंह प्रथम को, जयसिंह द्वितीय को, मानसिंह प्रथम को और जगत सिंह को। तो औरंगजेब के समकालीन जो शासक रहा था वो ध्यान रखना जयसिंह प्रथम था, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है। और इसको 1668 में, कब, 1668 में बुरहानपुर दक्षिण भारत के अंदर जहर दिलवा दिया था, जिसके कारण मिर्जा राजा जयसिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? जयसंबंध, मावठा, सागर और मानसागर। तो ध्यान रखना जयसंबंध जो झील है वो उदयपुर ज़िले में है। तो जयपुर ज़िले की दो झील हैं, एक मानसागर है और एक मावठा झील। तो जल महल जो बनवाया गया था वो जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह सेकंड के द्वारा, जिसको सवाई जयसिंह कहा जाता है। और ये जल महल ध्यान रखना मानसागर झील में स्थित है। मावठा जो झील है वो आमेर के किले के पास स्थित है और मानसागर झील को ही वर्तमान में जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र को औरंगजेब के दरबार में किसने उपस्थित किया था? पुरंदर की संधि ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, जो 1665 में हुई थी। और इस संधि के तहत एक समझौता हो गया था और शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में आने के लिए राजी हो गया था। तो राजी करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था जयसिंह, यानी जयसिंह फर्स्ट, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है। इसी ने पुरंदर की संधि के तहत आगरा दरबार में शिवाजी को लेकर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक की बदनामी में रस कपूर नामक एक गणिका की भूमिका थी? तो ऐसा कौन सा जयपुर का शासक था जिसकी बदनामी करने के लिए रस कपूर नामक गणिका का सहयोग लिया गया था? तो ध्यान रखना उसका जो वास्तविक उत्तर है वो था जगत सिंह। क्या उत्तर था? जगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सीधा सा प्रश्न है, ध्यान रखना 18 नवंबर के दिन जयपुर की स्थापना की गई थी।
18 नवंबर 1727 में और जयपुर को सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन की भूमिका किसने निभाई थी, किसने बनाई थी भूमिका, तो उसका भी उत्तर ध्यान रखना। सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई कब, 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को आयोजित किया गया था। और हुरडा सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, भीलवाड़ा ज़िले में, तो उसकी जो रूपरेखा थी वो आमेर के सवाई जयसिंह ने बनाई थी, जबकि इसकी अध्यक्षता ध्यान रखना जगत सिंह ने की थी, जो संग्राम सिंह सेकंड का बेटा था और इसी ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सवाई जयसिंह के किन पुत्रों के बीच जयपुर की गद्दी को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया था, तो दो युद्ध हुए थे दोनों भाइयों के बीच में। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1747 को हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1748 को। ये दो युद्ध लड़े गए थे राजगद्दी को लेकर, तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में दोनों युद्ध लड़े गए थे। सवाई जयसिंह का ही बेटा ईश्वरी सिंह था और उसी का बेटा माधो सिंह था। पहला जो युद्ध लड़ा गया था उत्तराधिकारी वो राजमहल टोंक में लड़ा गया था, और दूसरा जो 1748 में लड़ा गया था वो उसे बगरू का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतर मंत्र नाम की कितनी वेदशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, तो आपको मालूम होगा पूरे भारत में सवाई जयसिंह ने 5 वेदशाला बनवाया था, और इन 5 जो वेदशाला थी इसमें पहली वेदशाला ध्यान रखना दिल्ली में बनवाई गई थी, दूसरी जयपुर में बनवाई गई थी, और उसके बाद में बनारस में बनवाई गई थी, और उज्जैन में बनवाई गई थी, और एक बनवाई गई थी मथुरा में। ये कुल मिलाकर 5 वेदशालाओं का सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जोधपुर का शासक मानसिंह गिंगोली के युद्ध में जयपुर पराजित हुआ, यानी जोधपुर का शासक मानसिंह गिंगोली के युद्ध में जयपुर पराजित हुआ, इस जयपुर का उस समय शासक कौन था, यानी जोधपुर और आमेर के शासकों के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था, और इस ये गिंगोली का युद्ध जो लड़ा गया था वो ध्यान रखना 1807 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1807 में, और गिंगोली का जो युद्ध लड़ा गया था वो नागौर ज़िले में लड़ा गया था, यानी पर्वतसर नागौर ज़िले में ये युद्ध लड़ा गया था। तो जोधपुर का शासक मानसिंह था, तो आमेर का शासक जगत सिंह था, और एक कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाई माधो सिंह ने करवाया था अपने 9 पासवानों के लिए, एक जैसे 9 महलों का निर्माण, मराठों का कत्लेआम और पिंडारियों का कत्लेआम, और डी ऑप्शन है ए बे दोनों। तो सवाई माधो सिंह था, उसके 9 रानी थी, तो 9 रानियों के लिए उसने 9 पासवान महल बनवाए थे, ये बात सही है। मराठों का उसने कत्लेआम भी करवा दिया था, तो ये बात भी सही है। पिंडारियों का उसने कत्लेआम नहीं करवाया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर के जलेब चौक स्थित मंदिर में भगवान कल्कि के रूप में किसकी मूर्ति लगाई गई, तो इसका सही उत्तर होगा सवाई ईश्वरी सिंह, इसकी मूर्ति वहां स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरगासूली का निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना 1747 में सवाई जयसिंह के 2 बेटे थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, दोनों के बीच जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसमें ईश्वरी सिंह जीत गया था, और उसी जीत के उपलक्ष में इसने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासूली का निर्माण करवाया था। इस सरगासूली को ईश्वरी लाट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका उत्तर होगा ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में
आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है, बाड़मेर, अलवर, जोधपुर और जयपुर। तो ध्यान रखना राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में आकल वुड फोलोसिस पार्क स्थित है, जिसको जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। तो ध्यान रहे जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। जोधपुर का एक नया नाम और है, ध्यान रखना, जिसको राजस्थान के जोधपुर को संस्थाओं का देश कहा जाता है। किसका देश? संस्थाओं का देश भी इसे कहा जाता है। कोटा को शैक्षणिक नगरी कहते हैं। तो और ये राज्य अभिलेखागार है, जो ध्यान रखना बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है, विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो विजय स्तंभ है, ये ध्यान रखना, 1440 में कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इस विजय स्तंभ में 9 मंजिल हैं। कितनी मंजिल हैं? 9 क्या हैं? मंजिल। और इसी विजय स्तंभ में की ऊंचाई 122 फीट मानी जाती है। और ये ध्यान रखना चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट आगे है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? तो ध्यान रखना 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, या पहली बाघ परियोजना थी। कौन सी परियोजना थी? पहली राजस्थान की बाघ परियोजना। वर्तमान राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं। नेक्स्ट पर्सन है, बैराट की पहाड़ी जयपुर में से कौन सी नदी निकलती है? गग्गर, बाणगंगा, बेड़च और पार्वती। तो इसका उत्तर होगा बाणगंगा नदी। इसको ताला नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? ताला नदी भी कहते हैं। और इसी नदी को ध्यान रखना रुंडित नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहते हैं? रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये रुंडित के नाम से भी परीक्षा में आती है। और इसी को ध्यान रखना अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। ये तीनों नाम है, ताला नदी, रुंडित नदी और अर्जुन की गंगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भारत का क्वेश्चन है और ये भी रीट में इसका भी सिलेबस है, ध्यान रखना। तो हीराकुंड जो बांध है वो ध्यान रखना महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का बिजूलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक होगा, क्योंकि विजय सिंह पथिक को ही भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। और बिजूलिया किसान आंदोलन ध्यान रखना 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। और इसका नेतृत्व कई लोगों ने विशेष रूप से किया था। प्रारंभिक नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, लेकिन उसके बाद में विजय सिंह पथिक इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता बन गया था। इस बिजूलिया से एक प्रश्न आता है चंवरी कर का। कौन सा कर? चंवरी कर। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। और बिजूलिया के किसानों के ऊपर कुल मिलाकर 84 कर लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? जय संबंध, फाय सागर, पचभद्रा और रा संबंध। तो ये सीधा सही प्रश्न है, पचभद्रा झील जो बाड़मेर में स्थित है, ये खारे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट है, जैसलमेर में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना मरु महाउत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बठनेर का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सीधा सा प्रश्न है, बठनेर हनुमानगढ़ में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? आना सागर अरणो राज आना ने बनवाया तो जयपुर में स्थित है, फतेह सागर, फाई सागर और नारायण सागर। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा फतेह सागर, क्योंकि फतेह सागर झील है जो जो अजमेर में स्थित नहीं है, बाकी नारायण सागर, फाई सागर और आना सागर सभी अजमेर में स्थित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र और सभी। तो ध्यान रखना सबसे प्राचीनतम अरावली क्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम एक वलित पर्वतमाला मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी का मतलब जो पूरे पूरी साल बहती हो, बारह महीने बहती हो, तो वो ध्यान रखना चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भीलवाड़ा बिंगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं होती है? तो ध्यान रखना बनास, मेनाल और बेडच नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, तो मोरेल नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में सैल बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो ध्यान रखना राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर और बूंदी, इन सभी जिलों में चावल का उत्पादन होता है, लेकिन सैल बासमती चावल केवल कहाँ होती है? बूंदी जिले में होती है, और बाकी सभी जिलों में चावल तो उत्पादन होता है, लेकिन ये बासमती जो शब्द दिया है, ये चावल राजस्थान में केवल कहाँ होता है? बूंदी जिले में ही सबसे ज़्यादा बोया जाता है। अभी तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आरके एजुकेशन यूट्यूब चैनल अपने चैनल का नाम है, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।